नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मुंबई के दहिसर पश्चिम वार्ड क्रमांक एक में शिवसेना उपनेता महाडा सभापति के मार्गदर्शन में नगर सेविका तेजस्वी घोसालकर द्वारा आई कॉलोनी स्थित समाज कल्याण केंद्र में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू किया गया। अभिषेक घोसालकर मुंबई बैंक संचालक पहले भी स्कूल से बस की सुविधा कर 400 से ज्यादा बच्चों को दहिसर जम्बो कोविड सेंटर में वैक्सीनेशन कराया गया था। आज समाज कल्याण केंद्र में 200 से ज्यादा 15 से 18 वर्षों के बीच को वैक्सीनेशन किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर सेवक मुंबई बैंक संचालक अभिषेक घोसालकर, राजू इंदुलकर, जुड़ी मेंडोसा, जितेन परमार, दर्शित कोरगावकर के साथ शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज 15 से 18 साल के बच्चों को आज आईसी कॉलोनी में वार्ड नंबर एक में समाज कल्याण केंद्र इसमें वैक्सीन का हम लोग ने उपलब्धता किया है। आज देखो आप लोग यहाँ पे बच्चे लोग की भी भीड़ लगी हुई है। आज 1 बजे से लेके 5 बजे तक ऐसे हर रोज़ सोमवार से लेके शुक्रवार तक इनको कोविशील्ड कोवैक्सीन इनको दिया जाएगा। इसकी हम लोग ने पूरी इंतज़ाम यहाँ पे की है। मैं मुंबई महानगर पालिका का और हमारे राज्य सरकार का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि लोगों को पहले तो दहिसर चेक नाका जाना पड़ रहा था बच्चों को। हम लोग ने स्कूल के भी बच्चों को बस करके हम लोग ने लेके गए थे, लेकिन आज आईसी कॉलोनी एरिया में वार्ड में ही इस तरह की सुविधा उपलब्ध करके देने के लिए जो बीएमसी और हमारी स्थानिक नगर सेविका तेजस्वी कुशल इन्होंने प्रयत्न किया, मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये फैसिलिटी अभी हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार तक ये रहेगी, दोपहर को 1 से लेकर 5 बजे तक।